रहे। अब जैसे आप इस सेगमेंट में पहुंच जाओगे तो सबसे पहले वही सारी बातें लिखी गई हैं, एसबीआई पर्सनल, उनके बारे में, कम प्रोसेसिंग चार्ज है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ऐसा कोई चार्जेस नहीं है जो आपसे बिना बताए आपके लोन पे लगा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही सारी चीजें ठीक है। अब सबसे बड़ी बात की करना क्या है, देखो इससे पहले मैं एक सुना, तो एक है एप्लीकेशन ट्रैकर का ऑप्शन, इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हो, जैसे ये जो पूरा फॉर्म भरोगे ना इस, तो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन फॉर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जो है, मैंने एप्लीकेशन से लोन लेने के बारे में तो कई बार बताया हुआ है कि एप्लीकेशन से ऐसे लोन ले सकते हो, इस तरीके से जाके इस एप्लीकेशन से लोन लो, यहाँ पे ज्यादातर चांसेस होता है कि लोन मिल जाएंगे, आपने उसको ट्राई भी किया है, मोस्टली केसेस में लोन मिला भी है लोगों को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले, क्योंकि जैसे मैंने कई बार बताया हुआ है कि भाई एप्लीकेशन से जब भी आप लोन लेते हो तो मैंने मोस्टली एप्लीकेशन में ये हर बार सजेस्ट करता रहता हूँ कि जो इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत जो भी आपके दिमाग में डाउट रहता है सिक्योरिटी को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं बैंक के केस में खत्म हो जाती है, क्योंकि बैंक से बहुत लोगों का कनेक्शन है भाई, सबके ही कहीं ना कहीं अकाउंट है। सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में आप देखोगे तो बहुत बड़ी भरमार होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के करंट अकाउंट जो है हर प्रकार के अलग अलग लोग यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट होगा तभी तो इतनी सारी चीजें हो रही है काम। और ऐसे में भी मोस्ट पॉपुलर बैंक्स की बात किया, इसमें नाम आता है सबसे ज्यादा टॉप पे एसबीआई का, तो जब हम पर्सनल लोन ऑनलाइन लेने की बात कर सकते हैं तो फिर हम ऑनलाइन या फिर कहा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही पर्सनल लोन क्यों नहीं ले सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक एलिजिबिलिटी जरूर है, अगर आप उसको पूरा करोगे तभी जाके आपको लोन मिलेगा, मतलब इन द शॉर्ट ये कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं इस लोन को लेने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं हो सकता, कुछ लोग एलिजिबल है और कुछ लोग जो एलिजिबल नहीं है वो एक दूसरे प्रकार के एसबीआई के दूसरे पर्सनल लोन में उनकी अकाउंट हो सकती है, तो इनके बारे में बात करेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो पहले बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जो है मैं अपने हिसाब से प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा, जहां तक मेरे से हो सकता है वहां तक मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस है मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके बाद क्या चीजें आपको करनी होगी जिसके बाद आपको लोन मिल सकता है, तो पूरी चीज को ध्यान से देखना। ये वीडियो वॉच कर रहे हो जिसके नीचे टाइटल है, टाइटल पे ऐसे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर मिलेगी फर्स्टली वेबसाइट लिंक लोन पावर डॉट इन की, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है, सीधा पहुंचेंगे लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तमाम तरीके की कैटेगरीज मिलेगी जिसमें आपको सबसे पहले पर्सनल लोन की कैटेगरी पे चले जाना है, हालांकि आप चाहो तो बैंक लोन की कैटेगरी में भी जा सकते हो, क्योंकि इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही पर्सनल लोन लेने के बारे में, तो बैंक लोन भी बेस्ट कैटेगरीज में से काउंट हो सकती है, जैसी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप कोई भी एक कैटेगरी को चूज एन आउट इसमें कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे जब हमने बैंक लोन को चूज किया, तमाम तरीके की लोन आपके सामने दिख रही होगी, और क्योंकि आपको बता दें कि बैंक कोई एक लोन तो ऑफर करेगा नहीं, एक बैंक के अंदर बहुत सारे लोन एक्सप्लोरेशन में देखोगे तो काफी प्रकार के हर कैटेगरी के अंदर, माइक्रो कैटेगरीज के अंदर, माइक्रो टू माइक्रो निश के अंदर काफी लोन मिल जाएंगे। अब ऐसे में हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना है तो इसके लिए आपको जाना होगा ट्रैक रिसर्च पे, और यहाँ पे आपको डालना है एसबीआई पर्सनल लोन, इतना कीवर्ड डाल के सर्च करना है और आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे ले। इस कंटेंट पे क्लिक करना है और आप लोगों के सामने जो आपका आर्टिकल है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे लेंगे, वो प्रॉपर आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल को आप लोगों को पढ़ना होगा क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर बहुत सी चीजें जो आपको समझ में आएगी, हालांकि जो जो चीजें इसमें लिखी गई है वही चीज हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो एक्चुअली में चाहने के बावजूद भी स्किप हो जाती है, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो इस बात पर रहेगा कि आपको किस तरीके से उस प्रोसेस को समझा दिया जाए ताकि आप लोगों को इंस्टेंटली सैलरी बेसिस पे पर्सनल लोन, या कि बात करें तो जो भी लोग सैलरीड हैं उनको पर्सनल लोन मिल सके। अभी बताएंगे एलिजिबिलिटी के बारे में भी, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो कितने रुपए तक का लोन मिलता है, कितने दिनों के लिए मिलता है, कितने टाइप की जो पर्सनल लोन की कैटेगरीज हैं, वो सभी चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। तो आपका काम यह है कि आप इन आर्टिकल्स को सही तरीके से पढ़े समझे और पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करें। अब जहां तक बात करते हैं लोन कैसे लेंगे, तो इसके लिए आपको मिलेगी यहाँ पे सिंपली विजिट का लिंक, ठीक है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करेंगे आप लोग सीधा पहुंचेंगे अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे सीधा आप एसबीआई के लोन के सेगमेंट में ऑटोमेटिक आ जाओगे। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही माध्यम से इस वेबसाइट तक रीच करें, बिल्कुल भी सही चीज, मतलब कि आपके हिसाब से अगर लगता है कि आपको टाइम टेकन ज्यादा लग रहा है तो फिर आपके हिसाब से सही चीज वो होगी जो आप अपने हिसाब से डायरेक्टली पहुंचोगे, यानी कि आप डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे लोन्स के सेगमेंट में आके पर्सनल लोन के सेगमेंट में आ सकते हो, या अगर आपको रिडायरेक्ट होकर आना है तो मैंने आपको वेबसाइट वाला तरीका बताया रखा जो विजिट पे क्लिक करके आ सकते हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पर्सनल लोन के अंदर भी कुछ 4 से 5 कैटेगरीज के लोन ऑफर हो रहे हैं। अब ऐसे में आप सोचोगे कि आज हम किस लोन के ऊपर बात करेंगे, देखो वैसे तो मैं सोच रहा था कि दो लोन्स के बात कर ले, जैसे कि एक है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट और दूसरा है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, मैंने सोचा कि अगर मैंने दोनों को इसके अंदर कंबाइन किया तो मे बी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, और शायद से जिन लोगों को जो लोन लेना है वो समझ में भी ना आए कि हम किसकी तरफ बढ़े, प्री अप्रूव्ड या पर्सनल लोन या एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, तो मैंने सोचा इसके ऊपर डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इसी के ऊपर समझेंगे कि कैसे इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलेगा। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहां जो लोन मिलने वाले टू सैलरीड एम्प्लॉय हैविंग सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, जितने भी व्यक्ति हैं जिनका भी एसबीआई के अंदर सैलरी अकाउंट है वो ही इस लोन को ले सकते हैं, याद रहे ठीक है।
यहाँ पे एक बात क्या रखना कि जिनका भी सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय हैविंग सेविंग एंड सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, तो वही है, वो इस लोन को ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप वेडिंग वेकेशंस अनप्लान्ड इमरजेंसी कंडीशंस प्लान परचेज और क्विक अप्रूवल इंस्टेंट पर्सनल की तलाश में हो, तो इसके लिए आपका एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन आपको बेस्ट हो सकता है। ठीक है, और इस चीज के लिए मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों की एलिजिबिलिटी मैच हो गई होगी, क्योंकि आज की तारीख में जिस भी कंपनीज में आप काम करोगे आपके पैसे बैंक में ही जाते होंगे जाहिर है, तो सैलरीड अकाउंट तो मुझे लगता है कि मोस्टली केस में लोगों के पास हो सकता है। हाँ, कुछ लोग सेविंग्स अकाउंट में भी रखते होंगे, ये भी मैं अग्री करता हूँ, लेकिन जहां तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे चीजें अपडेट हो रही है लोगों को पता चलता है कि सैलरी अकाउंट उनके पास होना चाहिए, तो सैलरी अकाउंट हो सकता है। किन किन के पास सैलरी अकाउंट है कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जिनका एसबीआई में सैलरी अकाउंट है, अगर चाहो तो बता सकते हो, जैसी इच्छा आपकी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोन कैसे लेंगे, इसके लिए फीचर्स देख लो। सबसे पहले 30 लाख का लोन मिल जाएगा, कम डॉक्यूमेंटेज, कम दस्तावेजों पे, जो ब्याज दर है वो भी कम है, जीरो हिडन कॉस्ट है, और यही सारी चीजें हैं, लो प्रोसेसिंग चार्ज, बाकी सारी चीजें हैं। अब बाकी यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स है जिनका सैलरी अकाउंट विद एसबीआई के साथ में, वही इस लोन को लें। यहाँ पर कम से कम 25,000 रुपये आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, ठीक है, और एम्प्लॉयज किस मतलब की बात करेंगे किस कंपनीज में वर्किंग हो या फिर ऐसा कुछ, तो सेंट्रल स्टेट या काशी गवर्नमेंट्स के अंदर हो सकते हो, सेंट्रल स्टेट पीएसयू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, नेशनल रिप्यूट के साथ में होना चाहिए, लेकिन वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिप्यूट, बाकी सिलेक्टेड कॉर्पोरेट्स या विदाउट रिलेशनशिप विद द बैंक वाले भी हैं। ठीक है, ये लोन जो मिलेगा आपको मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर 30 लाख के बीच में मिल जाएगा। अगर आपको ब्याज जाना है तो यहाँ पे लेटेस्ट ब्याज दर का जो हिसाब किताब है वो मिल जाएगा आपको, बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको समझना है जैसे पैनल चार्जेस को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर, तो यहाँ पे पूरा इसका हिसाब किताब आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है सारी चीज जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब जहां तक बात रहती है अप्लाई कैसे करेंगे, तो सिंपल सा सेगमेंट है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन में आपको चले जाना है, जहां पे आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है, और जितनी भी चीजें मैंने बताई है उसको आप लोग अपने फोन में भी कर सकते हैं, इवन आप एसबीआई के योनो एप्लीकेशन में भी जाके ये चीज कर सकते हो। मैं तो डेस्कटॉप पे था तो मैंने सोचा कि इस पे बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आगे इन फ्यूचर में आने वाली वीडियोज में मोबाइल मोड में भी मैं आपको करके दिखाऊंगा मोबाइल फोन के माध्यम से, ताकि आपके लिए चीजें बहुत सिंपल और इजी रहे। अब जैसे आप इस सेगमेंट में पहुंच जाओगे तो सबसे पहले वही सारी बातें लिखी गई हैं एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में, कम प्रोसेसिंग चार्ज है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ऐसा कोई चार्जेस नहीं है जो आपसे बिना बताए आपके लोन पे लगा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही सारी चीजें। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात की करना क्या है, देखो इससे पहले मैं एक चीज बताऊँ, एक है एप्लीकेशन ट्रैकर का ऑप्शन, इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हो, जैसे ये जो पूरा फॉर्म भरोगे ना, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको मिलता है एक रेफरेंस नंबर, जिस रेफरेंस नंबर को यहाँ डाल के और मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपने रिटेल लोन्स लिया है, क्योंकि आप पर्सनल लोन जो है रिटेल लोन्स के अंदर ही आता है, तो यहाँ पे आपको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रैक इसलिए करने का वो होता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जब अप्लाई कर देते हैं उनको हर बार चिंता सताती है, भाई हमारे लोन एप्लीकेशन का क्या हुआ, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे जाके आप अपने एप्लीकेशन को फाइनली ट्रैक कर सकते हो। अब इवन बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले बता दूं यहाँ पे तो टाइप ऑफ लोन में हम पर्सनल लोन ही ले रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम टाइप ऑफ लोन में पर्सनल लोन ही ले रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप विद बैंक बताना सबसे पहले कि आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद एसबीआई के साथ में है कि नहीं, इसका मेन मतलब यह है कि आपका यहाँ पे अकाउंट है कि नहीं है, अगर अकाउंट है तो यस, तो सिंपल आपको अपना टाइप ऑफ रिलेशनशिप जैसे बताना है कि एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है या सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ में, जो यही डिमांड है कि सैलरी अकाउंट के साथ एसबीआई आपका होना चाहिए, मतलब सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ होना चाहिए, या अदर डिपॉजिट या कोई लोन अकाउंट है वो भी बता सकते हो, तो ये रिलेशन के अंदर आ जाएंगे, इन शॉर्ट कि आपका अकाउंट है कि नहीं। बट अगर जिनका नहीं अकाउंट है वो नो पे भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों ही नेचर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, जिनका है वो तो सिंपल तरीके से जो अपना अकाउंट नंबर वगैरह मोबाइल नंबर डाल के आगे प्रोसेस कर जाएंगे, क्योंकि उनकी डिटेल्स बैंक में सबमिटेड है, तो लोन ऑफर्स में उनको दिख जाएगा भाई आपको कितने रुपए तक का लोन ऑफर मिल रहा है और एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट में कितना मिल रहा है, या बाकी के अदर टाइप्स ऑफ लोन अगर चूज कर वहां पे ऑप्शंस दिखाएंगे तो उनका भी मे भी दिखा सकता है विद किस इंटरेस्ट रेट पे और साथ में किस टाइमलाइन के हिसाब से, यानी रिपेमेंट ऑप्शंस के साथ में, शायद ईएमआई का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जहां तक तो मुझे लोन ऑफर्स के माध्यम से। ठीक है, और जिनका अकाउंट नहीं है, जिनके अंदर मान लो जैसे हमें दो केसेस पूछे गए थे, तो यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स में आपको चीजें भरनी शुरू करनी है, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल से लेकर सारी चीजें यहाँ पे आपको कंप्लीटली भरनी है, इसमें आपका नाम, इनकम डिटेल्स, वर्क प्लेस, इन कॉन्टेक्ट इन्फो सब कुछ आ जाएगा जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो वो चीज आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह चूज करनी है, फिर बाकी आपका नाम वगैरह, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड वगैरह सब मांगा जाएगा यहीं पे, तो वो आपको देना पड़ेगा, फिर अगेन फिर आपको लोन ऑफर मिलेगा इसके हिसाब से, अगर फैच कर लिया तो अच्छी बात है, तो लोन ऑफर शो हो जाएगा। और दोनों ही केसेस में जब आप मान लो जिनका अकाउंट एसबीआई के अंदर है भी, आपने कोई लोन ऑफर चूज किया, तो आपको बाकी के एप्लीकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो आपके आगे का प्रोसेस आपको पता है, केवाईसी कंप्लीटेशन, सेल्फी वेरिफिकेशन एंड मे बी जो भी चीजें कंप्लीट करनी होगी, आगे का प्रोसेस आप खुद ही कंप्लीट कर लोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर तब भी अटकते हो कहीं बीच में तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश तो रहेगी, बट हाँ जल्द से जल्द रिप्लाई जरूर करूंगा मैं। तो यही है पूरा प्रोसेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का, क्या राय है आपके इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।